नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोन्ट्राल सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मोन्ट्राल सिरप को कैसे लेना चाहिए और मोन्ट्राल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मोन्ट्राल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मोन्ट्राल सिरप के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। मोन्ट्राल सिरप के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन लिवोसिट्रिजीन और मोंटेलुकास्ट होता है। लिवोसिट्रिजीन एक हिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, और मोंटेलुकास्ट अस्थमा की वजह से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदि लक्षणों को नियंत्रण करने व रोकने में मदद करती है। मोन्ट्राल सिरप का उपयोग बच्चों में अस्थमा होने पर सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए मोन्ट्राल सिरप का उपयोग किया जाता है। सर्दी, जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक का बंद होना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए मोन्ट्राल सिरप का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर, क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर और त्वचा पर रैशेस होने पर भी मोन्ट्राल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काटने की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर मोन्ट्राल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में मोन्ट्राल सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट बच्चों में मोन्ट्राल सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना, दस्त होना, कब्ज होना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स मोन्ट्राल सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोन्ट्राल सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मोन्ट्राल सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर मोन्ट्राल सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर मोन्ट्राल सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर मोन्ट्राल सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। मोन्ट्राल सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मोन्ट्राल सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोन्ट्राल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोन्ट्राल सिरप को देना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोन्ट्राल सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। वैसे ज्यादातर बच्चों में मोन्ट्राल सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ बच्चों को मोन्ट्राल सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका मोन्ट्राल सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।